हाँ, तो आत्मसिद्धि चतुर्थ चालू करते हैं तो तीसरी गाथा में, अभी जो हमने तीसरी गाथा समाप्त की उसमें श्रीमद जी ने क्रियाजड़ और शुष्क नानी का निर्देश किया कि ये तेरा स्वरूप क्या है, तू कहाँ पर मिस्टेक करता है, वो हमको बताया। दोनों प्रकार के जीव अपनी भूल है ऐसा नहीं मानते हैं, तीसरी गाथा में बताया कि ऐसा मेरी भूल है ऐसा मैं जानता ही नहीं हूं, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत क्रिया करता हूं, तो मेरी भूल मैं जानता नहीं हूं। अब चतुर्थ और पंचम गाथा में क्रियाजड़ और शुष्क ज्ञानी जीवों का वर्णन आता है। अभी प्रिल्यूड देके, तीसरी गाथा में प्रिल्यूड दिया और प्रस्तावना दे दी, और अभी आगे बढ़ेंगे कि चतुर्थ गाथा में क्रियाजड़ का क्या 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 कौन सा स्वरूप है, और पंचम में शुष्क ज्ञानी का कौन सा स्वरूप है वो हमको बताएंगे। इस प्रस्तुत गाथा में, चतुर्थ गाथा में क्रियाजड़ जीवों की पहचान कराई गई है, तो अभी हम क्रियाजड़ जीव की तरफ आगे बढ़ते हैं कि उसका स्वरूप क्या है। तो पहले हम गाथा पढ़ते हैं। यहाँ पर बाह्य क्रिया मा रास्ता अंतर भेद न काई ज्ञान मार्ग निश्चित थे क्रिया जड़ आई, तो उसमें क्या कहते हैं, गाथार्थ क्या होता है, जीव बाह्य क्रिया में मात्र रचा पचा रहता है, रचा पचा रहा है, अनादि काल से जीव बाह्य क्रिया में ही अपना श्रेय समझा है, अंतर में कोई भेद दिखाई नहीं देता है, जो क्रिया होनी चाहिए वो अंतर भेद करने के लिए क्रिया होनी चाहिए, तो अंतर में तो कोई भेद दिखाई नहीं देता है, सिर्फ बाहर की क्रिया होती है, शरीर की क्रिया होती है, मैंने उपवास किया। हमारे एक मित्र थे, हमारे मित्र है बंबई में, वो बोले कि उनके उनके एक कोई जान पहचान वाले भाई है, वो बोलते कि भाई हम हर एक पर्यूषण में मैं अठाई करता हूं, 8 दिन का उपवास करता हूं, हर हर दफा, एवरी ईयर। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बोलते हैं कि ऐसे तो क्या है कि मैं रेगुलर टाइम पर तो बिजनेस पर जाता हूं, 10-11 बजे जाऊंगा, 5-6 बजे आ जाऊंगा, और बाद में घर पर 24 के टाइम पर मैं आ जाऊंगा, और इस तरह से। मगर जब पर्यूषण का टाइम होता है तो मैं सुबह में 7 बजे निकल जाता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ, क्यों, मेरा दिन निकल जाता है बिजनेस में, खाने का याद नहीं आता है। तो उसको हम क्या, उसने अठाई करी, एक बहन जी ने बोला था मैंने मांस खमण 30 दिन का उपवास किया था, और मेरे पति देव ने घर के नीचे एम्बुलेंस खड़ी कर दी थी, कुछ भी मुझे हो जाए तो तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना, क्या उसको हम उपवास कहेंगे। तो अंतर में भेद नहीं दिखाई देता है, बाह्य क्रिया दिखाई देती है, बाह्य क्रिया में मस्त रहता है, अंतर में कुछ भेद नहीं दिखाई देता है। ज्ञान मार्ग का फिर से निषेध करता है, करे क्या ज्ञान 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 की बातें करते रहते हो, बस ऐसी बातें ही करते हैं, शुष्क बातें ही करते रहे होगा करते हो कि या कुछ क्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे जीव को यहाँ पर क्रिया जड़ कहा गया है। ये गाथा का मीनिंग होता है, इसमें से बहुत से भाव निकलते हैं, हम देखेंगे कि बाह्य क्रिया किसको कहते हैं, तो ये सब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्रिया जड़, ये क्रिया जड़ की बात आती है, ये क्रिया जड़ की गाथा है। इसमें क्या आता है, जिनागम में
ज्ञान अनुसार ही क्रिया को कर्तव्य रूप बताया है। कौन सा ज्ञान? अभी हमने देखा जो अभेद ज्ञान की तरफ ले जाता है, आत्मा की तरफ ले जाता है, अतींद्रिय ज्ञान की तरफ ले जाता है, खंड खंड ज्ञान से पार हो ले जाता है। ऐसे ज्ञान वो उसके ज्ञान के अनुसार जो क्रिया होती है वो कर्तव्य रूप बताया है, वो कर्तव्य बताया है जिनागम में। इसलिए विविध क्रिया का उपदेश भी दिया गया है कि तू ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। ये सब विविध क्रिया का उपदेश भी है जिनागम में, ऐसा नहीं कि क्रिया का उपदेश नहीं है। आत्मज्ञान की प्राप्ति और उसमें स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्रिया का उपदेश है। जो कुछ क्रिया तू करता है, देखो आत्मा तीन कार्य कर सकता है, तीन ही कार्य कर सकता है। शुद्ध भाव में रहना, आत्मा के शुद्ध भाव में रहना, वो एक क्रिया हुई। अशुद्ध भाव में रहना, शुद्ध भाव आत्मा की अनुभूति, अशुद्ध भाव विभाव भाव। और वो विभाव भाव में दो क्रिया होती है, शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया। तो तीन हो गए, शुद्ध क्रिया, शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया। तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी पास के पास कहीं कोई मुमुक्षु गए, बोले कि साहब हमारा एक प्रश्न है। बोलो क्या है? हमारे पास शुद्धता नहीं है, आत्मा की अनुभूति नहीं है। अच्छा बराबर, हमको अशुभ करना नहीं है तो क्या करना? तीन में से दो का नकारात्मक करके उसने कोई चॉइस नहीं दिया बोलने के लिए, मगर ये आत्मज्ञानी गुरु है, वो ऐसा नहीं कहेंगे तू शुभ क्रिया कर। उन्होंने बोला कि भैया मैं समझता हूं तेरा प्रॉब्लम अशुभ नहीं करना है और शुद्धता नहीं है, तो शुद्धता में जाने का प्रयत्न करना। क्या बोला? शुद्धता में जाने का यानी कि तू कुछ भी कर मगर शुद्धता के लक्ष्य से कर, तो तेरी क्रिया सफल है। ज्ञान की प्राप्ति और उसमें स्थिरता यानी कि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, उसकी प्राप्ति के लिए तू कोई भी क्रिया कर, हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें तो पाप की तो क्रिया करने वाला नहीं है। शुभ भाव भी जो तू करेगा उसका तुझे इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। पेशेंट आया है हॉस्पिटल में से 8-10-15 दिन के बाद में, बहुत वीक होके आया है, घर पर आया है अभी, तो अब रोग निकल गया है, अभी वीकनेस नहीं गई है। तो रात को अभी सोया नहीं सोया, नेक्स्ट डे को सभी ने पूछा कैसा था, उसे बोला नहीं सारी रात नींद नहीं आई। सभी ने उसको सहिष्णुता दिखाई। दूसरे दिन हाँ एक आध घंटा नींद आई होगी, हाँ दो घंटे नींद आई होगी, तीन घंटे आई होगी। इस तरह से 8-10 दिन हो गए, अभी हाँ सारी रात नींद आई थी, बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन सारी रात नींद आई थी, अभी वो सारी रात हर रोज वो ही रटन करता रहता है, अरे मुझे सारी रात नींद आ गई। तो वो बोलेंगे कि अरे ये तो साइकाइट्रिस्ट वार्ड में ले जाने वाला पेशेंट हो गया है, तू अभी तो स्वस्थ हो गया है, तो जो 6-8 घंटे की नींद नहीं है तो क्या होगा? सबको आती है, तुझे आती है, उसमें बड़ी बात क्या है? सुबह में उठकर तू नित्य क्रम करता है, क्या बड़ी बात है भैया? हर रोज तू करता आया है, इतने सालों से करता है, उसमें बड़ी बात क्या है? सुबह में उठ के तू हर रोज जाके तू टूथब्रश करता है, क्या बड़ी बात है?
तू अनाउंस करेगा फेसबुक पर, आज मैंने टूथब्रश कर दिया। जो क्रिया रूटीन होती है उसका महत्व नहीं होता है, जो क्रिया शुभ भाव रूटीन हो गया है, दाहिने हाथ को मालूम नहीं कि बाएं हाथ ने क्या कार्य किया। इस तरह से जो सहजता से होता है वो क्रिया का उपदेश दिया गया है। क्रिया करने का निषेध नहीं किया है यहां पर, वो ख्याल में रहना पड़ेगा। क्रिया का निषेध नहीं है, क्रिया के ऊपर तेरा जो अभिमान रहता है, मैं 8 दिन का उपवास कर सकता हूं, मैं 30 दिन का उपवास मैंने किया था, क्या बड़ी बात है भैया। वो जो जो सांप है और जो स्क्विरल होते हैं वो फॉल में पतझड़ के टाइम पर ठंडी चालू होगी तो हाइबरनेशन में जाएंगे, अंडरग्राउंड जाएंगे, अपना मेटाबॉलिज्म कम कर देंगे और निर्जल और नो अन्न 6 महीने तक रहेंगे, और 6 महीने के बाद स्प्रिंग पर जब ग्राउंड थोड़ा गर्म होने लगे तब बाहर आएंगे, तो हमको उसका तो कितना सम्मान करना पड़ेगा। 6 महीने का निर्जल उपवास करके आए हैं, तो तू एक दिन का उपवास, 8 दिन का, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ अच्छी बात है, मगर तू उसमें अभिमान लेने की जरूरत नहीं। तुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति और स्थिरता के तरफ तू आगे बढ़ा इतनी क्रिया करके तो बराबर है, मगर अज्ञानता से जीव उस क्रिया में अटक जाता है, उस क्रिया में अभिमान करता है, उस क्रिया को कृतकृत्य प्राण मानता है, वो ये जीव की अज्ञानता है। जो आज नहीं अनादिकाल से मैं करता आया हूं, अभी तो तू चेत, तुझे समय मिला है, संगनी पंचेंद्रिय पना है, माइंड तेरे पास है, तुझे अभी प्रकृति भी तेरे साथ काम करती है, ये लॉकआउट चलता है, तू घर में बैठा है, अभी तो स्वाध्याय नहीं करेगा तो क्या करेगा। हमारे कई मित्र फोन करते हैं, अरे हम तो बोर हो गए हैं। अरे कैसे बोर हो गए, हमारे पास तो ऐसे सोचते हैं कि 2 घंटे, एक दिन में 2 घंटे ज्यादा होते तो अच्छा रहता, ज्यादा स्वाध्याय होता, और आपको इतना गोल्डन अवसर मिला है और आप बस बोर हो रहे हो। श्रीमद् जी को ऐसे जीव पर करुणा आती है, ऐसे जीव क्रियाओं का मिथ्या आग्रह रखते हैं, आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको ये करना ही पड़ेगा, तो ये क्रिया जड़ की बात आई है। अभी यहां पर बाह्य क्रिया का निषेध किया है, सिंपली बाह्य क्रिया, जो बाह्य क्रिया में रचा पचा रहता है उसको यहां पर निषेध किया है। तूने आज उपवास किया है, हर साल में तू 1 बार करता है, संवत्सरी के दिन करता है, और वो भी घर में सभी उपवास करते हैं, तो तू बोलता है कि अरे मेरे लिए कौन खाना बनाएगा, चलो मैं भी उपवास करूं। अरे ये फिर से संवत्सरी आ गई, फिर से आ गई, मुझे उपवास करना पड़ेगा। अरे तू एक क्रिया का, ऐसी क्रिया का निषेध है, अभी मुझे 2.5 घंटे का प्रतिक्रमण में बैठना पड़ेगा, ऐसी क्रिया का निषेध है। अरे तुझे उत्साहित होना चाहिए कि ये मुझे अवसर मिला है, मैं ऐसी क्रिया करने का मुझे अवसर मिला है, इस तरह से तुझे तो यह बाह्य क्रिया का निषेध, यहाँ पर बाह्य क्रिया का निषेध नहीं किया, मगर अंतर लक्ष्य बिना जड़ता पूर्वक की क्रिया का निषेध किया है। तो तुझे अंतर का लक्ष्य हुआ नहीं है, मैं क्यों ये क्रिया करता हूं, उपवास क्यों करता हूं, उप यानी कि पास और वास यानी कि रहना,
आत्मा के पास रहना उसका नाम उपवास है। और सारे दिन मैं अरे मैं पानी नहीं पी सकता हूं, उबला हुआ पानी से मुझे उल्टी होती है, तो आज पानी भी नहीं पी सकूंगा, अरे मुझे डिहाइड्रेशन हो गया है, अरे कल सुबह मेरा पाना होगा, अब आप जल्दी तय करो कि मुझे मूंग देने का है कि क्या देने का है, सब अरे तो सारा दिन खाने के विचार करता है और बोलता है कि मैंने उपवास किया है। तो ये अंतर लक्ष्य तेरा होना चाहिए, अरे आज मेरा उपवास है, यानी कि तीन दफा मैं खाने वाला नहीं हूं, यानी कि एक दफा खाने के टाइम पर ढाई घंटे से तीन घंटे का प्रोसेस रहता है, खाने के पहले का प्रोसेस रहता है, खाना का टाइम पर होता है, खाने के बाद में जो प्रमाद आता है सो दो तीन घंटे निकल जाते हैं, तो ऐसे मुझे छह घंटे छह सात आठ घंटे आज मुझे मिलने वाला है, मैं स्वाध्याय करूंगा। तो वो जब तू करेगा वो तेरा लक्ष्य अंतर लक्ष्य हुआ है, वो क्रिया अच्छी रहेगी। मगर जो बाह्य क्रिया तू करेगा अंतर लक्ष्य नहीं है, वो क्रिया का यहाँ पर निषेध किया है। बाह्य क्रिया में संतोष प्राप्त करके दोष का निषेध किया है, तू दोषित होता है, बाह्य क्रिया को ही प्रधानता देता तो दोषित होता है। आज मैंने उपवास किया है और वो मेरे समधी ने, वो या तो मेरे बेटे ने, या तो मेरे मेरे कोई रिलेटिव ने, या तो मेरे समाज वाले किसी ने मुझे मुझे फोन भी नहीं किया कि मैं छाता में हूं कि नहीं। अरे सभी के फोन की आशा से तूने ये क्रिया की थी? अरे फोन आता तो तुझे सारी दुनिया की बात होती, ये तो तेरा अच्छा है कि फोन नहीं आता, तू अपना स्वाध्याय कर सकता है, ऐसा क्यों तू सोचता नहीं? बाह्य क्रिया का उपदेश आत्मभाव प्रकट करने के लिए दिया गया है। तू इस तरह से तू तेने देख लिया महावीर ने उपवास किया था, मैं भी करूं। अरे महावीर ने उपवास नहीं किया था, वो तो अपने भाव में इतने स्थिर हो गए थे, शरीर से इतना अलग हो गए थे कि शरीर है कि नहीं वो भी उनको समझ में नहीं आता था, तो खाने की तो बात ही क्या थी, अपने अतिंद्रिय आनंद में मस्त थे। तो मैं अंदर की भाव देखता नहीं हूं, बाहर की शरीर की क्रिया देखकर मैं, उन्होंने उपवास किया था मैं भी कर दूं, मगर उनके अंदर का भाव तू देख ले। और तू क्या बोलता है, अरे बेचारे महावीर वो ताप में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, अरे वो तो अपने त्रिकाली आत्मा में रमणता में है, अतिंद्रिय आनंद में मस्त है, शरीर से अलग है, उनको शरीर की क्रिया को कुछ संबंध नहीं है। मुनि पार्श्वनाथ के ऊपर जब संगम देव चट्टाने फेंकता है तो उनका शरीर तो व्रज ऋषभ नारद संगयन है, तो वो चट्टाने शरीर को टच कर दे चट्टाने का चूर चूर हो जाता है, मगर मुनि पार्श्वनाथ को कोई असर नहीं है, वो तो अपने भाव में स्थिर है। तो इस तरह से तुझे सोचना पड़ेगा। तो आत्मभाव प्रकट करने के लिए क्रिया है, बिना लक्ष्य की क्रिया का मोक्ष मार्ग में बिना लक्ष्य की क्रिया को मोक्ष मार्ग में निरर्थक बताया गया है। ये तू बाहर की क्रिया करेगा, अकेली क्रिया करेगा, कुछ नहीं होगा। हमने बताया था एक क्लास में कि एक दफा जैना के कन्वेंशन में स्टेज से किसी ने अनाउंस किया, ये बहन जी इंडिया से आई है और उन्होंने बहुत से उपवास किए हैं और वर्षित अब कितने वर्षित अब किए हैं और उनका डायबिटीज 650 शुगर हो जाती है फिर भी वो उनका, अरे ये 650 शुगर में भी मैं उपवास कर सकता हूं, वो महत्व का है?
या मैं अंतर में स्थिर हुआ उसका महत्व है, किसका महत्व है? जहां अशुभ से बचने के लिए और स्वरूप अनुसंधान के अर्थ पर क्रिया होती है वहां जड़त्व नहीं है। मुझे अशुभ से बचना है और मुझे आत्मा के अनुसंधान की तरफ आगे बढ़ना है, इस आशय से जो भी क्रिया हो जाती है, व्रत तप जप भक्ति स्वाध्याय कुछ भी करो, वहां जड़त्व नहीं कहा है, वहां उसको क्रिया जड़ नहीं कहा है। हमारे मंदिर के मंदिर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम था 2008 के टाइम पर, और मैं जगह जगह पर डोनेशन के लिए जाता था। किसी ने बोला कि अच्छा ये मैं $100 देता, 5,000 रुपया देता हूँ, $100 देता हूँ, मगर मेरा नाम कहाँ लिखा जाएगा मंदिर में? हमने बोला आपका नाम आप बोलो वहां पर लिख देंगे, क्योंकि जिन्होंने मूल नायक की प्रतिमा जी ले ही ली है, $250,000 का डोनेशन दिया है, उन्होंने प्रतिमा जी पर नाम नहीं लिखाया है। जिन मुमुक्षुओं ने डोनेशन दिया, किसी का नाम फिनिक्स मंदिर में नहीं है। आप बोलो तो कहां पर भी हम नाम लिख देंगे $100 में। तो कि नाम के लिए तू डोनेशन देने वाला है, कौन देखेगा तेरा नाम? हमारी प्रतिष्ठा के टाइम पर जो प्रशस्ति लिखी जाती है भगवान के नीचे पर, प्रशस्ति यानी कि कौन से तीर्थंकर भगवान की शासन में, कौन से आचार्य भगवान के आमन्याय में, और कहां से कौन प्रतिष्ठाचार्य के अनुसरण में ये प्रतिष्ठा हुई है, इस दिन पर हुई है, ऐसा प्रतिष्ठा ऐसा प्रशस्ति आती है। यानी कि कभी भी ये प्रतिमा जी निकले बाहर तो मालूम पड़ेगा कि ये कहां की प्रतिमा जी है, कौन सी थी इत्यादि। वहां पर सभी का नाम भी आता है। फिनिक्स चैन प्रतिष्ठा में किसी का नाम कोई प्रतिमा जी पर नहीं है। मैं भगवान को देखूं या किसने डोनेशन दिया था उसका नाम पढ़ू, क्या करूं मैं? तो इस तरह से हमको जहां अशुभ से बचने के लिए स्वरूप अनुसंधान के लिए जो क्रिया होती है वहां जड़त्व नहीं है, ऐसा श्रीमद जी यहां हमको उपदेश देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रिया जड़ जीव अंतर भेद बिना बाह्य क्रिया में रचे पचे रहते हैं और ज्ञान मार्ग का निषेध करते हैं। इससे चिंतन मनन आत्मनिरीक्षण स्वरूप अनुसंधान ध्यानाभ्यास वगैरह का निषेध होता है। जो ज्ञान मार्ग का निषेध करता है उसने चिंतन मनन आत्मनिरीक्षण स्वरूप अनुसंधान ध्यान अभ्यास सभी का निषेध किया है। क्या आप ज्ञान 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 की आत्मा आत्मा की बात करते हो? यानी कि तूने चिंतन को निषेध किया, मनन को निषेध किया, आत्मनिरीक्षण को निषेध किया, स्वरूप अनुसंधान ये सब का तू निषेध करता है, जो कि वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है आत्मा अनुभूति के टाइम पर, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, मगर उसका तो तू निषेध करता है। इसलिए आत्मा अनुभव की सत्यता का लोप हो जाता है। ज्ञान मार्ग में ये सब पॉइंट आएंगे और तू इसका निषेध करता है तो आत्मा अनुभव की सत्यता का तेरा लोप हो जाता है। कितनी बड़ी बात आती है यहां पर। तो ये बाह्य क्रिया में राचता अंतर वेदन का ज्ञान मार्ग निषेधते क्रिया जड़ा। यहां पर श्रीमद जी 3 पॉइंट हमको देते हैं, ऊपर के 3 बिंदु देते हैं
और ऐसे जीव को क्रिया जड़ कहा है जो बाह्य क्रिया में ही रचे पचे रहते हैं, पॉइंट नंबर वन। अंतर भेद नहीं है, नंबर टू। और ज्ञान मार्ग को निषेध जो करता है, ऐसे तीन बिंदु पर अभी उनको क्रिया जड़ कहा है। तो ऐसे तीन बिंदु पर हम आगे बढ़ के देखेंगे कि कौन कौन सी बात यहां पर आती है। आगे बढ़ते हैं। ओके तो बाह्य क्रिया महाराष्ट्र अंतर्भिन्न का ज्ञान मार्ग निषेध तय क्रिया जरा। तो बाह्य क्रिया महाराष्ट्र पॉइंट नंबर वन, जो बाह्य क्रिया में रचे पचे रहते हैं उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, उनका हम कैसे समझ सकते हैं, तो उसका हम पॉइंट लेते हैं। बाद में नेक्स्ट पॉइंट लेंगे अंतर्भेद, बाद में ज्ञान मार्ग की निषेधता। तो तीन पॉइंट वन एट ए टाइम हम लेंगे। तो बाह्य क्रिया में रचना, तो इसमें पहला क्रिया शब्द का अर्थ क्या करेंगे, क्रिया शब्द का अर्थ क्या है वो समझना पड़ेगा। सच्चा मीनिंग क्रिया का समझने के बाद में मुझे मालूम पड़ेगा कि बाह्य क्रिया क्या है, अंतर क्रिया क्या है। तो क्रिया, क्रिया को हम दो दो हिस्से में बांट सकते हैं, भाव क्रिया और द्रव्य क्रिया। भाव क्रिया, देखो जहां जहां द्रव्य और भाव ऐसे शब्द आएंगे, भाव यानी कि आत्मा को अनुसरण करने की क्रिया, द्रव्य यानी कि पुद्गल को अनुसरण करने से होती हुई क्रिया। तो जब जब भाव आता है वो आत्मा का भाव समझना, द्रव्य आता है तो पुद्गल का बात, पुद्गल की बात समझना। भाव पाप, द्रव्य पाप, भाव पुण्य, द्रव्य पुण्य, भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव, भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण। इस तरह से जो भाव और द्रव्य शब्द आते हैं शास्त्र में, भाव यानी कि आत्मा रिलेटेड और द्रव्य यानी कि शरीर रिलेटेड, ये ख्याल में रख, क्योंकि शास्त्र में आपको आचार्य भगवान उसका विश्लेषण नहीं करेंगे। ये हमको, ये तो हमारा बेसिक समझ होना चाहिए कि जब जब भाव आता है आत्मा की बात आती है, समझना पड़ेगा। तो भाव में शुद्ध भाव क्रिया होगी और अशुद्ध भाव क्रिया होगी, यानी कि आत्मा शुद्ध भाव करेगा, आत्मा अशुद्ध भाव करेगा। अशुद्ध भाव में शुभ भाव क्रिया, अशुभ भाव क्रिया, कौन ये सब करेगा, ये सब कौन करेगा, तो ये सब करने वाला कौन है, आत्मा है। ये सब आत्मा में होने वाली प्रक्रिया है, तो उसमें शुद्ध क्रिया होती है, अशुद्ध क्रिया होती है। अशुद्ध में शुभ भाव और अशुभ भाव, ये सब आत्मा की ओर से है। तो द्रव्य में क्या आएगा, द्रव्य क्या इस शरीर की क्रिया में क्या आएगा, शरीर की क्रिया में भी इस तरह से शुद्ध द्रव्य क्रिया और अशुद्ध द्रव्य क्रिया, ऐसे भाव, ऐसे दो पार्ट आएंगे। तो ये शरीर की बात यहां पर आई और यहां पर आत्मा की बात आई, तो हम देखना पड़ेगा कि ये तो हमने डिवीजन कर दिया, मगर अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि शुद्ध भाव क्या है, अशुद्ध भाव क्या है, शुद्ध द्रव्य क्रिया क्या है, अशुद्ध द्रव्य क्रिया क्या है। तो ये सबको हम आगे बढ़ के देखेंगे, सभी की डेफिनेशन करते जाएंगे, क्योंकि देखो अभी तो हमने नियम लिया है कि हमको आत्मसिद्धि अच्छी तरह से जानना है, आत्मा की सिद्धि, आत्मसिद्धि जान के आत्मा की सिद्धि करना है। तो प्रथम से प्रथम मुझे आत्मा क्या है वो समझना पड़ेगा, एक एक शब्द आएंगे उसको समझना पड़ेगा। जब जब मैं उसको समझू तब मेरे में क्लैरिटी होती जाएंगी, और बाद में कोई भी शास्त्र खो निकालो आप, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि देखो हर एक ज्ञानी का एक मत रहेगा, कहीं कहीं शब्द की जाल रचे जाएगी,
मगर जब मेरे में क्लैरिटी है, भाव क्रिया द्रव्य क्रिया की क्लैरिटी है, तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। देखो मैं पढ़ता हूं, मुझे समझ में नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता है? गुरुदेव से कांजी स्वामी कहते थे, समझाणू का एवरी टू थ्री सेंटेंस ही विल से समझाणू का। एक बच्चा खड़ा हो गया सभा में, बोला कि महाराज आप जो बोलते हैं समझाणू का मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो बच्चे के वडिलों ने बोला, बच्चा बैठ बैठ बैठ, ऐसा सभा में नहीं बोलते। गुरुदेव जी ने बोला, नहीं नहीं बच्चे को खड़ा करो, क्या तेरा प्रश्न क्या है? आप जो बोलते हो हमको मुझे समझ में नहीं आता है। किसको समझ में नहीं आता है? मुझे समझ नहीं आता है। मुझे यानी कौन? मालूम नहीं। मुझे यानी कि आत्मा। वो आत्मा को समझ में नहीं आता है। जो आत्मा ज्ञान करता है, वो ज्ञान करने वाला आत्मा को समझ में नहीं आया, उस आत्मा की हम बात कर रहे हैं। इस तरह से हमको ये मार्मिक पॉइंट को समझना पड़ेगा सबका। तो यहां पर हम विश्राम लेंगे, क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम रखेंगे थोड़ा, 5 मिनट और समथिंग। सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। अखिल भाई, जय जिनेन्द्र। आपने जो एग्जांपल दिया अबाउट मैंगो की, हाँ, ज्ञान कैसे प्राप्त होती है, वो खंड खंड ज्ञान से होता है। हाँ, तो ज्ञान तो एक ही है और गे भी एक ही है, आम जैसे, तो वो तो बदलता नहीं है। बट मुझे जानने का प्रक्रिया जो भी है, खंड है अखंड है, तो उसमें ज्ञान में बदलाव नहीं होती है, इट डजंट चेंज। So, how does it matter कि मैं खंड खंड से जानूं या अखंड से जानूं? तो मैंगो स्वीट है तो स्वीट ही रहेगा, तो ज्ञान तो ज्ञान ही है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लैरिफाई दैट पॉइंट कि हाउ, बिकॉज माई कैपेसिटी, जैसे बच्चा ने बोला कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रही है, तो आई कैन नॉट हैव दैट कंप्लीट नॉलेज। तो मैं थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके ही कंप्लीट का ओर बढ़ता हूँ। तो जस्ट प्लीज क्लैरिफाई दोस दैट व्यू पॉइंट। देखो ज्ञान तो ज्ञान ही है, आपने बताया बराबर है, मगर जो ज्ञान का सच्चा स्वरूप है, देखो ज्ञान तो ज्ञान है, सच्चा स्वरूप क्या है उसका? तो सच्चा स्वरूप अखंड और भेद, और आत्मा के साथ जो एक रूप से रहता है उसको ज्ञान कहेंगे। मगर जब इंद्रिय ज्ञान से ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। जो अखंड अभेद ज्ञान आत्मा के साथ एक में एक रूप में तादात्म्य रूप से जो रहता है उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। और अभी हमारे पास इंद्रिय जन्य ज्ञान है, तो इंद्रिय जन्य ज्ञान है वो खंड खंड ज्ञान से रूप में आती है कि भाई ये आम का कलर क्या है, आम की स्मेल क्या है, आम का टेस्ट क्या है, आम का टच क्या है। तो इस तरह से जो खंड खंड ज्ञान हुआ उसको परोक्ष ज्ञान कहेंगे। तो ज्ञान की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद पड़ेंगे। तो प्रत्यक्ष में तो आत्मा का अनुभव, उसको अतींद्रिय ज्ञान, अतींद्रिय ज्ञान को अब आत्मा का अनुभव कहा, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहा। मगर अभी जो परोक्ष ज्ञान है, जो इंद्रिय के माध्यम से होता है, देखो मैं साउथ पोल पर नहीं गया हूं और आप जाके आए, आपने सब कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपने अनुभूति किया था और आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, और मैंने कोई पुस्तक पढ़ लिया और मैं लेक्चर देने बैठ गया, तो किसका वजन रहेगा, आपका या मेरा? मेरे में बहुत बोलने की छटा है, मगर आप में बोलने की छटा नहीं, मगर फिर भी आप अनुभूति सहित का ज्ञान है, तो अनुभूति सहित का ज्ञान की वैल्यू ज्यादा है, परोक्ष ज्ञान की वैल्यू नहीं रहेगी। तो मति सुख से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान होता है। अभी आगे बढ़ेंगे, जब ज्ञान की बात आएंगे ना, तब आगे आएंगे कि स्मृति, प्रत्यक्ष ज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ऐसे परोक्ष ज्ञान के विभाग आएंगे सब कुछ, तो वो देखेंगे।
अभी क्या है कि जो मेरे पास साधन है वो इंद्रिय है अभी, तो इंद्रिय खंड खंड ज्ञान ही मैं ले सकता हूँ, यानी कि ये परोक्ष ज्ञान होता है। मेरा ज्ञान पर लक्ष्य पर डिपेंडेंसी है, ये पानी का ग्लास है इसलिए मैंने जाना, तो उसको परोक्ष ज्ञान कहा। मगर आत्मा का ज्ञान बिना कोई वस्तु होते हुए भी आत्मा अपने का ज्ञान कर सकता है सभी का, तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद रहेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये तो बहुत मार्मिक क्वेश्चन है आपका, और उसका आंसर तो एक मिनट में नहीं दे सकते हैं, मगर यू नो ख्याल रखने का कि ये ज्ञान की बात, ज्ञान ही आत्मा और आत्मा ही ज्ञान, इसमें 400 आचार्य लिखी है। अच्छा, इसमें तो बहुत 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 डिटेल है, मगर अभी तो आप अपने के लिए अभी कि भी परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष इतना तफावत। ठीक ठीक, थैंक यू। Hi, Girit Uncle. A quick question. Let's see. It's very basic. आज की बात हुई एक पोर पन तमारा तत्वन और शंका न थाई. So शंका, I understand, is doubt. Doubt. Mm-hmm. So, what is the value? अभी पहला पद है आत्मा छे. अभी उसका पूरा विश्वास नहीं हुआ. Mm-hmm. तो उसको डाउट बोलते हैं, उसका कोई दूसरा शब्द है जो भाव होते हैं कि मे बी दिस इज ट्रू, मैं उसको अभी निषेध नहीं करता हूँ, आत्मा छे, मैं उसको मैं ओपन हूँ, पॉसिबल हो सकता है आगे बढ़ के मैं अनुभव करूंगा, तो उसको शंका बोलते या आशंका बोलते, क्या है उसको? शंका नहीं बोलेंगे, उसको आशंका बोलेंगे। आशंका यानी कि मुझे आपने जो बताया वो सच्चाई है मगर मेरी समझ में नहीं आता है, तो उसको यहाँ पर आशंका शब्द रखेंगे। यहाँ पर तो ये आशंका शब्द क्षमापना में लास्ट में आता है, यू नो आशंका शब्द भी आता है, यानी कि आपने जो बताया हुआ रास्ता है वो रास्ता मुझे बराबर मालूम नहीं पड़ता है, आपको अनुभूति सहित का ज्ञान है, मेरा परोक्ष ज्ञान है, मगर मुझे मालूम है कि आपने बताए हुए रास्ते पर मैं चलूंगा तो मेरी आत्मा की अनुभूति होने वाली ही है, इस तरह से निर्णय होना। तो उसको यहाँ पर शंका शब्द लिखा है मगर वो आशंका के अर्थ में शंका शब्द लिखा है। एक पंपर्तमा तत्व निशंका न था, मींस मुझे डाउट नहीं होने वाला, आपने जो कहा वो सच्चा ही है ऐसा मैंने तय कर दिया है, तो वो आशंका के अर्थ में लेने का है। यहाँ पर देखो शब्द लिमिटेड है मगर उसके भाव बहुत अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो कहाँ किस शब्द का क्या अर्थ होता है वो हमको जानना पड़ेगा, तो इसलिए ये शंका आशंका का शब्द अर्थ आएगा। बराबर, someone is asking a question, this is same as संशय, संशय संशय विपर्य अनध्यवसाय वो भी हो सकता है। संशय यानी कि जो डाउट, ज्ञान में तीन प्रकार के फॉल्ट हो सकते हैं, संशय विपर्य और अनध्यवसाय। तो ये संशय यानी कि मुझे ये चांदी है या शैल है, इस तरह से संशय होना, ये आत्मा होगा कि नहीं होगा ऐसा संशय होना, वो ज्ञान का एक फॉल्ट है, तो उसमें संशय भी कह सकते हैं। संशय है कि डाउट मेरे में होना, यू नो, और जो आशंका, आई मीन शंका आशंका यानी कि जो आपने बताया हुआ रास्ता है वो सच्चाई है मगर मुझे समझ में नहीं आता है, तो संशय तो मैंने अपने में डाउट किया है, मगर जो आशंका है वो आपने बताया हुआ रास्ता सच्चाई है मगर मेरे ख्याल में नहीं आता है, वो मेरा प्रॉब्लम है, इस तरह से आशंका मान लेंगे। एनीथिंग एल्स, एनीबडी एल्स? ओके, तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं और क्लोजिंग करते हैं। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार,
पामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम जीने आप्यो बाननी तेने सदा प्रणाम देह छता जेनी दशा वरते देहाती ते ज्ञानी न चरण मो वंदन अगणी जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तमो जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बद्धने जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।